Hello friends, you all are welcome on my YouTube channel, My Online Classroom. And today in this video, we are going to continue the same chapter of class 10th History, Nationalism in India. देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी अपनेपन का जो सामूहिक अपनेपन का जो भाव होता है वो किस तरह से यहाँ पे उत्पन्न किया गया है इंडिया में. देशभक्ति की जो भावना थी, जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, उसको किस तरह से यहाँ प्रमोट किया गया, ठीक है. ये मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए जो नेशनलिज्म है वो स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन, ठीक है. जो राष्ट्रभक्ति की जो भावना होती है देश के प्रति, वो तब भी उत्पन्न होती है लोगों के बीच में, उनके हृदय में, जब वो एक तरह से उनमें डाल दिया जाए कोई एक सिमिलर पॉइंट, ठीक है, कि वो सेम नेशन से बिलोंग करते हैं, सेम पार्ट में रहते हैं. तो इस तरह की फीलिंग बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए देखिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम उनको यूनिटी में, ठीक है, व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी, जब उनके बीच में किसी तरह की यूनिटी को दिखाए जाए जो कि उनको बाइंड करे एक साथ, ठीक है, वो एक साथ उनको मिला के रखे. देखिए नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, देखिए नेशनलिज्म जो वर्ड है वो एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड नेटस से आया है, जिसका मतलब होता है लव एंड पेट्रोटिक फीलिंग टुवर्ड्स द नेशन, ठीक है. आपका जो प्यार और सम्मान है आपके देश के प्रति, जो देशभक्ति की भावना है, उसी को हम नेशनलिज्म बोलते हैं. तो एक देखिए एक कुछ ना कुछ बॉन्ड जरूरी है, कुछ ना कुछ चीज़ जिसके वजह से हम यूनिटी को बाइंड कर सकें सबके बीच में. और इसके लिए देखिए किस तरह से पूरे नेशन को किस तरह से एक रियलिटी में, एक रियल थिंग में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए लोगों के दिमाग में, इसके लिए क्या किया जाए. साथ ही जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी इंडिया में, जो पीपल डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते थे, डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं बोलते थे, उनमें किस तरह से सामूहिक अपनेपन का जो भाव है, जो फीलिंग है, वो किस तरह से डेवलप करी जाए, किस तरह से इसका विकास किया जाए, ये थोड़े सोचने वाले क्वेश्चन थे. सेकेंड पैरा में देखिए क्या लिखा है. तो सेकेंड पैरा में लिखा गया है जो ये द सेंस ऑफ जो कलेक्टिव बिलोंगिंग थी वो तभी एकदम, ये तो कह सकते हो आप, थोड़ी बहुत तभी आ गई थी जब यूनाइटेड स्ट्रगल चल रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सीएडीएम मूवमेंट चला. तो इस तरह के जो मूवमेंट चलते गए तभी थोड़ी बहुत तो जो कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली जो फीलिंग थी, सामूहिक अपनेपन की जो फीलिंग थी वो आ चुकी थी, ठीक है. बट इसको और पूरे रूप में और विकसित करना था. तो इसके लिए देखिए काफ़ी सारे कल्चरल प्रोसेसेस चले, ठीक है, एक बहुत ही वैरायटी चली कल्चरल प्रोसेसेस की, प्रोसेस चले थ्रू उनके उनके द्वारा ही जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है लोगों की कल्पना में किस तरह से उनके दिलो दिमाग पर छा गई, वो यहाँ पे थोड़ा कल्चर प्रोसेस को जो क्रेडिट है वो जाता है. हिस्ट्री है आपका, फिक्शन है, ठीक है, जो आपका इतिहास है आपका, साहित्य है, फोकलोर है यानी जो लोकगीत हैं, जो लोक कथाएं हैं, गीत हैं, पॉपुलर जो प्रिंट्स हैं, सिंबल्स हैं, इन सब ने मिलजुल के जो नेशनलिज्म को बनाने में, इसके मेकिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. इसके बाद देखिए अब किस तरह से नेशन को आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है. तो ये चैप्टर वन में भी हमने पढ़ा है कि किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने यहाँ पे फिगर और इमेज के द्वारा आपने नेशन को सिंबलाइज किया. आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने ब्रोकन चेन्स पढ़ी थी क्लास नाइन्थ में, कि ब्रोकन चेन्स जो है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, ठीक है, जो रेड कैप है वो क्या सिंबलाइज करती है. तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे दी हुई थी. तो यहाँ पे भी यही है. और आपने देखा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है जर्मनिया के बारे में, जो फीमेल एलिजरी थी जर्मनी की, तो इस तरह की चीज़ें हैं. तो यहाँ पे भी यही वही चीज़ें यहाँ पे कही गई कि नेशन के लिए जो नेशनल फीलिंग जो है वो क्रिएट करने के लिए, विकास करने के लिए उसका, तो काफ़ी सारी इमेज जो थी उनका भी सहारा लिया गया, जिससे कि देश को आइडेंटिफाई किया जा सके, लोग समझ सकें कि ये देश है. तो ऐसे ही कुछ हुआ कि 20th सेंचुरी में जिस तरह से नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो ग्रोथ होती जा रही थी, तो आइडेंटिटी इंडिया की जो था उसको किस तरह से विजुलाइज किया जाए, तो इसको विजुलाइज किया गया इमेज हो भारत माता, ठीक है, कि इंडिया जहाँ पर भारत माता कि इमेज जहां भी ली गई तो उसको समझ जाओ कि ये इंडिया की बात हो रही है, ठीक है. तो इंडिया को किस तरह से एकदम एसोसिएट कर दिया विद द इमेज ऑफ भारत माता, यानी जो भारत है, जो हमारी माता है, जो इंडिया है वो हमारी माता है. तो इस तरह से ट्रीट करना है आपको अपनी कंट्री को. तो इसको जो फर्स्ट इमेज थी वो किसने बनाई थी, तो वो क्रिएट की थी बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने. और इसके बाद देखिए उन्होंने वंदे मातरम 1870s में एक मंत्र कह लीजिए, हाइम कह लीजिए, एक श्लोक लिखा था, मंत्र लिखा था वंदे मातरम अपने मदरलैंड के लिए, यानी इंडिया के लिए. इसके बाद उन्होंने अपने नॉवल में इन चीज़ों को लिखा भी, उसको संग भी किया. और ड्यूरिंग जो स्वदेशी मूवमेंट है बंगाल में, जितने भी स्वदेशी मूवमेंट हुए उस दौरान इनको गाया भी गया, ठीक है, वंदे मातरम, इस तरह के स्लोगन्स यूज़ किए गए, गाए भी गए. तो आनंद मठ में उन्होंने इस नॉवल में अपने इन चीज़ों को लिख लिया था, वंदे मातरम और भारत माता की इमेज को भी पोर्ट्री किया. इसके बाद देखिए जिस तरह से स्वदेशी मूवमेंट बढ़ता गया, रविंद्रनाथ टैगोर भी थे जिन्होंने अपने वे में फेमस इमेज जो भारत माता की पहले से बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने बना दी थी उसको भी इन्होंने फिर से बनाया, उसको पेंट किया, फिर से बनाया. और उनकी पेंटिंग में देखिए जब हर कोई अपने द्वारा अपनी पेंटिंग को बनाता है किसी पेंटिंग को, तो उनकी पेंटिंग्स की कुछ ना कुछ अलग बात होती है. तो इसी तरह से देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने जब ये पेंटिंग बनाई तो उनकी पेंटिंग में भारत माता किस तरह से दिखाई देती थी, तो उन्होंने अपने
पेंटिंग में भारत माता को एक एसेटिक फिगर में दिखाया, ठीक है। एसेटिक फिगर मतलब एक तपस्वी सन्यासी के रूप में दिखाया, जहाँ पे वो बहुत काम है, कंपोज है, डिवाइन है, ठीक है, देवी शक्ति की तरह स्पिरिचुअल लगती हैं वो। और इन द सब्सिक्वेंट वे उसके बाद ही देखो कुछ सालों बाद ही जो भारत माता की इमेज थी वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आने लगी, सर्कुलर होने लगी, पॉपुलर प्रिंट्स में आने लगी, पेंटेड बाई द डिफरेंट आर्टिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट ने उनको डिफरेंट डिफरेंट वे से पेंट किया, डिफरेंट डिफरेंट वे से पोर्ट्रेट किया। और इस तरह से देखिए डिवोशन किस तरह से लोगों ने अपने आप को डिवोट किया, जो मदर फिगर जो थी, जो इस तरह एविडेंस बनी किसकी, नेशनलिज्म की जो एविडेंस बनी, तो ये एक तरह के मदर फिगर को उन्होंने डिवोट किया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा में, जो आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप थ्रू आ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर, ठीक है। आइडियाज जो नेशनलिज्म के जो आइडियाज आते गए वो किस तरह से डेवलप होते गए, वो डेवलप होते गए धीरे धीरे, जो इतने भी मूवमेंट्स होते गए इंडियन फोकलोर के, ठीक है, लोक कथाएं इसमें संगठित होने लगी इंडिया की। इन द लेट 19th century इंडिया में देखा गया जो नेशनलिस्ट बिगेन कि नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने जगह जगह जाके जो फोक टेल्स थी, लोक कथाएं थी हमारी, जो कहानियां थी उनको इकट्ठा शुरू कर दिया। और किनके द्वारा ये कहानियाँ गाई गई थी, बार्ड्स मतलब जो पोइट्स के द्वारा गाई गई। इसी के साथ लोगों ने जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने जगह जगह गांव में टूर किया, ठीक है, घूमे जगह जगह, और वहाँ के जो फोक सॉन्ग्स थे, जो लेजेंड्स थे, ठीक है, जो भी दंत कथाएँ थी वहाँ की वो इकट्ठी करी। इसके साथ ही दीज टेल्स, ठीक है, जो कहानियाँ थी वो बिलीव करती थी कि वो एक ट्रू पिक्चर जो है ट्रेडिशनल कल्चर का प्रोवाइड करें, जिसमें दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज बाई आउटसाइड फोर्सेज। तो उनका मानना था कि जब ब्रिटिशर्स आए, दूसरे लोग जब आए, तो उसके जैसे जो एक ट्रू इमेज थी हमारे देश की, जो ट्रेडिशनल कल्चर था वो काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट हो गया था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो गया था, विनाश हो गया था उसका, जब दूसरे लोग आए आउटसाइड फोर्सेस की वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी था कि फिर से उसको प्योर किया जाए, फिर से उसको शुद्ध रूप में लाया जाए, तो इसके लिए, और फिर से उसका विकास किया जाए, तो इसके लिए ये सारा काम स्टार्ट हुआ। और इसी से उनका मेन मोटिव यही था कि किस तरह से एक देश ही हमारे पास बचा, और देश के लिए देशभक्ति की भावना बहुत ज़रूरी है, अगर देश है तो हम हैं और हम हैं तो देश है। तो इस तरह की जो थ्योरी है वो बहुत ज़रूरी थी लोगों को समझानी, और आज भी देखिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज भी अगर हमारे बॉर्डर सुरक्षित हैं तो मतलब समझिए कि हम सुरक्षित हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी देश के लिए, और अपने देश के प्रति एक समर्पण की भावना, जिस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन में, किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने डिफरेंट डिफरेंट वेज यूज़ किए थे कि लोगों को प्रमोट कर सकें देशभक्ति की भावना उनमें कर सकें, जो हमने चैप्टर 1 में देखा था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी पता होनी चाहिए लोगों को। और इसी तरह का जो कुछ काम था वो इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था कि डिफरेंट डिफरेंट वे से, क्योंकि इंडिया का कल्चर इतना रिच है कि उसकी मदद से वो इस तरह की चीज़ें कर सकते थे, देशभक्ति की भावना लोगों में जगा सकते थे। और ये याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में ये 5 मार्क्स से कम का नहीं आएगा, और आपको 5 हेडिंग्स के अंतर्गत इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप भारत माता की इमेज जो है वो लिख सकते हो, इस तरह के जो नेशनलिस्ट जो थे जो जगह जगह जाके इस तरह की चीज़ों को इकट्ठा करे थे वो आप लिख सकते हो। इसके साथ ही देखिए किस तरह की और भी चीज़ें थी कि इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फॉक ट्रेडिशन, ये बहुत एसेंशियल था कि अपना जो लोक कथाएं, जो लोक ग्रंथ वाली जो ट्रेडिशन है उनको पूरा संगठित करके रखें, उन्हें सुरक्षित रखें। ऑर्डर टू डिस्कस वंस नेशनल आइडेंटिटी, अगर आपको देश की आइडेंटिफिकेशन को बताना है तो आपको ये सारी चीज़ें डिस्कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड रीस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड, और आप इसको किस तरह से रीस्टोर करिए, फिर से रीस्टोर करिए, कैसा, एक गर्व के रूप में, ठीक है, कि आपको अपने पास्ट पे बहुत गर्व है कि आपका जो पास्ट का जो ट्रेडिशन था, इंडिया का जो कल्चर था वो बहुत महान था। तो ये जो एक थ्योरी है, ये जो एक कह सकते हो आइडियोलॉजी है, वो हर बच्चे के दिमाग में आपको बिठानी है। इसके साथ ही देखिए बंगाल में क्या किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद अपने आप काफ़ी ज़्यादा जो बैलेट्स थे, ठीक है, उनको कलेक्ट किया, जो गथा गीत थे, जो नर्सरी राइम्स थी, जो मिथ्स थे यानी कल्पित कथाएँ थी, उनको इकट्ठा किया, उनको कलेक्ट किया जगह जगह जाके, एंड लेट द मूवमेंट फॉर फॉक रिवाइवल, ठीक है, और इस तरह की जो फॉक रिवाइवल मतलब जगह जगह जाके जो भी कहानियाँ वानियाँ थी वो सुनी और अपने उसमें उसको लिखा भी, ठीक है। इस तरह से देखिए, और आपको देखिए काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी मिल जाएंगी देखने के लिए कि भारत माता यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो पेंटिंग पूरी पोर्ट्रेट की थी वो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की पेंटिंग्स भी आपको देखिए, यहाँ पे एक और पेंटिंग है, ठीक है, ये वाली जो है इस कॉन्ट्रास्ट टू द वन पेंटेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, उनसे अलग तो यह है ये पेंटिंग, जिसमें आपको त्रिशूल दिखेगा स्टैंडिंग बिसाइड अ लायन एंड एन एलिफेंट, क्योंकि कहा था ना कि देवीय रूप में है, तो ये बोथ सिंबल्स ऑफ पावर और अथॉरिटी को, ये सिंबल्स भी याद रखिएगा कि जो सिंबल्स हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद देखिए इन मद्रास, तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपका बन जाएगा, मद्रास में जो नेतेसा शास्त्री थे उन्होंने पब्लिश किया था अपना 4 वॉल्यूम कलेक्शन, और ये क्या कलेक्शन था, तमिल फोक टेल्स, ठीक है, जो तमिल की जो लोक कहानियाँ हैं उनका ये पूरा का पूरा एक उन्होंने ये कलेक्शन पूरा का पूरा प्रेजेंट किया था, पब्लिश
किया था और उसका नाम था फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। इसके साथ ही उनका मानना था जो इस तरह के जो लोग कथाएं और जो गीत होते हैं वो एक नेशनल लिटरेचर होते हैं। इट वॉज द मोस्ट ट्रस्ट वर्दी और ये बहुत ही ट्रस्ट वर्दी मैनिफेस्टेशन होते हैं जिससे पीपल्स के रियल थॉट्स और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अभिव्यक्त होती है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन मतलब अभिव्यक्त होते हैं कि अगर वो इस तरह की पांच चीज़ें पढ़ते हैं तो अपने आप को जोड़ते हैं लोक कथाओं लोक गीतों में और अपने आप की जो पुरानी आइडेंटिफिकेशन है उसको समझ जाते हैं, तो अपने आप को अभिव्यक्त करने का ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या दिया हुआ है, तो एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप, धीरे धीरे जिस तरह से ये इस तरह के नेशनल मूवमेंट डेवलप होते गए उसी तरह से जो नेशनल लीडर्स थे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा और अवेयर होने लगे इस तरह के आइकन्स और सिंबल्स के प्रति। उनको लगने लगा हाँ बिल्कुल इस तरह के आइकन्स और जो सिंबल्स हैं वो लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करेंगे, लोगों को एक सूत्र में, ठीक है, एक धागे में पिरो के रखेंगे, बांध के रखेंगे और कौन से फीलिंग में नेशनलिज्म की फीलिंग को इंस्पायर करेंगे। अच्छा, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, जब स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था बंगाल में, तो एक ट्राई कलर फ्लैग था वो इंट्रोड्यूस किया गया और उसका कलर था रेड ग्रीन एंड येलो। ठीक है, तो देखिए जो आज हमारा तिरंगा है उसमें कितने डिफरेंट डिफरेंट पहले कितने अलग अलग कलर थे, तो उस टाइम जो था रेड ग्रीन और येलो कलर लिया गया था और उसको डिज़ाइन किया गया था फ्लैग को। ठीक है, और उसमें 8 लोटसेस बनाए गए थे। जो 8 लोटसेस था उनका क्या मतलब था, यानी 8 कमल के फूलों को दिखाया गया था उस फ्लैग में, और जो 8 कमल के फूल थे वो वास्तव में किसको बता रहे थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे क्योंकि उस टाइम इंडिया में 8 प्रोविंसेस थी। ठीक है, प्रोविंसेस मैंने आपको बताया कि स्टेट की तरह, जैसे आज स्टेट होते हैं तो उस टाइम प्रोविंसेस जो थी वो स्टेट्स हुआ करते थे, आप कह सकते हो कि जो स्टेट्स उस टाइम प्रोविंसेस के नाम से जाने जाते थे, और कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश रूल प्रोविंसेस थी और कुछ राजाओं के द्वारा, ठीक है, रूल्ड किंगली रूल प्रोविंसेस थी, तो इस तरह के प्रोविंसेस हुआ करती थी इंडिया में उस टाइम, तो टोटल 8 थी ये प्रोविंसेस। तो इन्हीं 8 प्रोविंसेस को जो ब्रिटिश इंडिया में होती थी, देखिए लिखा है ब्रिटिश इंडिया के दौरान जब 8 प्रोविंसेस थी क्योंकि उसके बाद तो स्टेट्स बन गए, तो उस टाइम जब ये 8 प्रोविंसेस थी उनको उस झंडे में 8 लोटसेस के द्वारा 8 कमल के फूलों के द्वारा दिखाया गया। इसमें यही दिखाया गया कि देखिए सारी 8 प्रोविंसेस जब फ्लैग में आती हैं तो वो सब एक साथ हैं और यहाँ के जो लोग जो रहते हैं वो भी एक साथ हैं, यानी सब में देशभक्ति की भावना है देश के प्रति। इसके साथ ही देखिए जो क्रेसेंट मून था, यानी अर्ध चंद्र जो था वो क्या रिप्रेजेंट करता था, तो फ्लैग में क्रेसेंट मून भी था जो दर्शाता था हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी को। ठीक है, हिंदूज और मुस्लिम्स को दिखाता था ये। और इसके बाद देखिए बाय 1921 गांधी जी ने एक फ्लैग जो था स्वराज फ्लैग, ठीक है, उसको डिज़ाइन कर लिया था, और इस स्वराज फ्लैग में भी ट्राई कलर थे पर जो कलर थे इस टाइम वो रेड ग्रीन और वाइट थे। इसके साथ ही देखिए झंडे के बीच में स्पिनिंग व्हील था, ठीक है, जो आज आप देखते हो कि अशोक चक्र होता है, उस टाइम क्या था, उस टाइम स्पिनिंग व्हील रखा गया था, ठीक है, सेंटर पे, और वो स्पिनिंग व्हील जो था वो क्या रिप्रेजेंट करता था, वो आपको याद होगा गांधी जी खादी प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, खादी कपड़े सूत काटते थे, तो उसी को वो स्पिनिंग व्हील जो था वो उसको रिप्रेजेंट करता था। गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, एक आइडियल था कि हर इंसान को सेल्फ हेल्प करनी चाहिए, यानी अपना काम खुद करना चाहिए, सेल्फ हेल्प, कि ऐसा नहीं कि हर चीज़ पर वो दूसरों पर डिपेंड हो जाए। तो सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उन्होंने स्पिनिंग व्हील को, कि जब नहीं गांधी जी ने जब खादी वाला चीज़ स्टार्ट किया था, किस तरह से बहिष्कार किया था, बॉयकॉट किया था फॉरेन गुड्स, और यहाँ पे लोगों को बोला था कि इंडिया में आप खुद अपने कपड़े बनाइए कपास से, है ना, तो ये चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए गांधी जी ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, सेल्फ हेल्प को एक्सप्लेन करने के लिए स्पिनिंग व्हील्स जो है वो झंडे में फ्लैग में सेंटर पे लोकेट किया। तो ये याद रखिएगा, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं और जब आपसे क्वेश्चन आएगा तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आप ये सारी लाइन्स लिखेंगे। इवन आप जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला जो चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो है, उसकी भी कुछ लाइन्स जो है आप लिख सकते हैं, जैसे जर्मेनिया वाला कॉन्सेप्ट जो है, किस तरह से उनके चौराहों पे स्टैचूज बनाए जाते थे, कॉइन्स और स्टैम्प्स में उनकी पिक्चर्स जो थी, फीमेल एलर्जीज वो शो होती थी, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ के भी पॉइंट्स ले सकते हैं। बट आई थिंक यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स हैं कि आपको वहाँ के पॉइंट्स लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और कैरिंग द फ्लैग, देखिए साथ ही जो अब आज भी आपने देखा होगा, जब भी परेड वगैरह होती है, जब भी हमारे देश में कोई भी मार्च होती है तो हम फ्लैग को होल्ड करते हैं अपने साइड में, ठीक है, तो यहाँ भी यही था कि कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट अलॉफ्ट, ठीक है, एकदम ऊँचे हम अपना झंडा जो है ऊँचा रखते हैं, कहते हैं ना विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो झंडा ऊँचा रहे हमारा। तो ये तरह के जो गीत हैं देशभक्ति के जो गाने होते हैं वो भी बहुत एक देशभक्ति की भावना हमारे अंदर जगह देते हैं। तो यही होता है कि झंडे को देख के कि किस तरह से आपको पता है कि हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, कि अपने राष्ट्रगान के प्रति, अपने झंडे के प्रति हमें आदर देना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो इसी तरह से जब झंडे को एकदम ऊँचा रखा जाता है, तो मार्चेस के दौरान जब हम मार्च करते हैं, परेड वगैरह
करते हैं, तो ये किसको दर्शाता है? तो जब झंडा ऊंचा होता है तो वो दर्शाता है सिंबल ऑफ डिफेंस, ठीक है, कि हम अपने देश की डिफेंस करेंगे, अपने देश को सुरक्षित रखेंगे, उसके बॉर्डर्स को सुरक्षित रखेंगे। तो ये बहुत गहरी बात यहाँ पे कही गई है, और ये ऐसा नहीं कि आज ही ऐसी बातें हुई हैं, बल्कि जब से राष्ट्र का निर्माण हुआ है तब से ये बातें शुरू हो गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, इसको मार्क करिए, अच्छे से इसको लर्न करिए, और याद भी रखिएगा कि क्या क्या चीज़ें थी। जैसे एट फिर से देख लीजिए एक बार, एक ट्राई कलर फ्लैग था, ठीक है, जिसको डिज़ाइन किया गया था, डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स और सिंबल्स यूज़ किए गए थे ताकि नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड की जाए, इमर्ज की जाए। इसके साथ ही देखिए एट लोटसेस जो थे वो एट प्रोविंसेस जो थी उनको रिप्रेजेंट करते थे, जो क्रेसेंट मून था वो हिंदू मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था। इसके साथ ही देखिए जब गांधी जी ने फ्लैग डिज़ाइन किया, स्वराज फ्लैग कहते थे उसको, ट्राई कलर था उसमें रेड ग्रीन एंड वाइट, और साथ ही बीच में स्पिनिंग व्हील था जो सेल्फ हेल्प को बताता था, रिप्रेजेंट करता था। साथ ही जो फ्लैग था जो मार्चेस में हम अलॉफ्ट ऊँचा रखते थे, खड़ा उसको साथ लेके चलते थे, उसको वो एक तरह का सिंबल ऑफ डिफेंस की तरह हम रिप्रेजेंट करते थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा में, अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, और भी कई तरीकों से फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को लोगों में जागृत किया गया, और ये किया गया री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी फिर से पुनः व्याख्या, यानी दोहराना, ठीक है, दोबारा पुनः व्याख्या करके किसकी, अपनी हिस्ट्री की, ठीक है, इतिहास की। बाय द एंड ऑफ द 19th century देखा गया कि मैनी इंडियंस जो हैं बिगिन फीलिंग दैट टू इंस्टेल अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन, कि लोगों में एक गर्व की भावना जो है वो जागृत करना बहुत ज़रूरी है, और इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली, ठीक है, और जो इंडियन हिस्ट्री है वो इससे थोड़ी सी अलग है। तो जो ब्रिटिश सॉ इंडियंस, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया को हमेशा बैकवर्ड देखा, ठीक है, उन्हें लगता था कि इंडिया के लोगों में कोई टैलेंट नहीं है, ये बहुत बैकवर्ड हैं, प्रिमिटिव हैं, आदि मानव जैसे बिहेव करते हैं, इनको कोई संस्कार नहीं है, इनमें कोई कहते हैं ना नहीं है कि कुर्सियों पे बैठ के खाना चाहिए, ये चीज़ें। तो देखिए हर किसी के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो हमें हमेशा बैकवर्ड ही समझते थे, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देम। से इसके साथ ही वो ये भी समझते थे कि हम अपने आप पे खुद राज नहीं कर पाएंगे, यानी उन्हें हमें ब्रिटिशर्स की मदद चाहिए कि हमारे ऊपर राज करो, हमें तो अकल ही नहीं है कि किस तरह से रूल किया जाता है कंट्री में। ये चीज़ें थी जो ब्रिटिशर्स हमारे बारे में सोचते थे, इंडियंस के बारे में। अच्छा, इन रिस्पॉन्स, इसके बदले देखिए, इंडियंस बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स। इसके अलग में रिस्पॉन्स के लिए, इसको जवाब देने के लिए, इंडियंस ने बिल्कुल अपने पास्ट में आप कह सकते हो कि ढूंढा, फाइंड आउट किया और डिस्कवर किया इंडियाज के ग्रेट अचीवमेंट्स, कि इंडिया ने कितने ग्रेट अचीवमेंट्स किए हैं, तो उनको डिस्कवर करना इंडियंस ने स्टार्ट कर दिया। और दे रॉट, उन्होंने राइटर्स पोएट्स ने जो लिखा अपने ग्लोरियस डेवलपमेंट्स के बारे में एंशियंट टाइम्स में, कि किस तरह का हमारा आर्ट कल्चर था, आर्किटेक्चर था, साइंस था, मैथमेटिक्स था, रिलीजन था, कल्चर था, हमारे यहाँ पे लॉ था, फिलॉसफी थी, क्राफ्ट से ट्रेड था, किस तरह से ये पूरा फला फूला एक राष्ट्र था जिसके लालच में तो आप यहाँ पे आए थे, अगर इतना महान नहीं होता, इसके बारे में आप कहीं सुनते नहीं, तो आप यहाँ पे क्यों आते, एज ए बिजनेसमैन, एज ए ट्रेडर्स आते, और फिर क्यों यहाँ पे राज करने लग जाते। तो यानी इंडिया के पास्ट में कुछ तो बहुत ज़रूरी बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जिसकी वजह से बाकी देश के जो लोग थे वो खींचे चले आए इंडिया की तरफ, इंडिया के लोग नहीं गए थे पहले कहीं पे। तो ये चीज़ थी जो इन लोगों को बतानी थी, और ये पोएट्स और राइटर्स ने अपने थ्रू राइटिंग्स के द्वारा ये इतना बढ़ चढ़ के लिखा कि सब लोगों को समझ में आ गया कि इंडिया में किस तरह की चीज़ें वास्तव में हुई। और इन्होंने पूरा ग्लोरियस टाइम जो था, दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वाज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डेक्लाइन व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। और इन्होंने ये बात भी लिखी इंडियंस ने कि पहले इतना ग्लोरियस टाइम था, प्रोस्परस था हमारी कंट्री, सोने की चिड़िया इसको बोला जाता था, और जब ये ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने हमारी जो हिस्ट्री थी, हमारा इतिहास पूरा बर्बाद करके रख दिया। दिस नेशनलिस्ट हिस्टोरीज Urged the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. इसके साथ ही जो नेशनल हिस्ट्रीज थे उन्होंने ये भी आग्रह किया, जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने आग्रह किया रीडर्स से कि जब आप पढ़ो तो लोगों को और भी बताओ कि इंडिया का जो पास्ट था, इंडिया ने कितनी ग्रेट अचीवमेंट्स ले रखी थी, उसके पास थी पास्ट में कितना गर्व की बात थी, और स्ट्रगल किस तरह से जब उन्होंने किया तो चेंज द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश रूल के अंतर्गत किस तरह से जब लोगों की कंडीशन कितनी मिजरेबल हो गई थी कि जहाँ पे सोने की चिड़िया कहा जाता था वहाँ पे इतनी कमी पड़ गई कि दो वक्त की रोटी इंसान को नहीं यहाँ पे नसीब होती थी। तो इस तरह के मिजरेबल लाइफ से निकालने के लिए ब्रिटिश रूल में किस तरह से लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा, कितना पैदल चलना पड़ा, किस तरह के मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें थी रीडर्स के लिए लोगों ने लिखी, और लोगों को समझ में आए, उनके उनके अंदर देशभक्ति की भावना हो, तो ये काम करने में वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी रहे, और आज भी लोगों के लिए जो देश है वही फर्स्ट है, ठीक है। दिस एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स। अच्छा देखिए, ये जो एफर्ट्स थे लोगों ने यूनिफाई करने के लिए, जो पीपल्स के लिए सोचा था, इतनी मेहनत की थी, वो ऐसा नहीं था कि एकदम चुटकी बजाते ही हो गया था, बहुत प्रॉब्लम साइंस के बीच में। व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीफाइड वाज हिंदू, ठीक है, जब पास्ट को ग्लोरीफाई किया जा रहा था तो हर चीज में हिंदू हिंदू आ रहा था। तो
एंड द इमेजेस सेलिब्रेटेड वर ड्रॉन फ्रॉम हिंदू एक्नोग्राफी, ठीक है, और जो भी इमेजेस ली गई जैसे आप देख सकते हो देवी देवताओं के, तो देवी देवता तो हिंदुओं से रिलेटेड है, हिंदू एक्नोग्राफी, ठीक है, एक्नोग्राफी मीन्स होता अतीत शास्त्र, तो हिंदुओं के शास्त्र ये सब चीज़ें ली गई, तो इससे एक चीज़ हो गई कि जो अदर कॉमेडीज़ के लोग थे वो थोड़े से अलग थलग हो गए, उन्हें लगा कि हमारे लिए तो कुछ ही नहीं, हमारे तो कल्चर के बारे में कुछ है ही नहीं, सिर्फ हिंदूज हिंदूज के बारे में, तो थोड़ा सा पीपल ऑफ अदर कॉमेडीज फेल्ट लेफ्ट आउट, तो उनको थोड़ा सा अलग थलग रह गए वो, उनको लगा शायद हमें इसमें गिना ही नहीं गया। फिर इसके बाद देखिए कॉन्क्लूजन अगर पूरा चैप्टर का देखें तो ये है कि देखिए ग्रोइंग एंगर जो था अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट, उसकी वजह से ये ब्रिंक हुआ था कि जो वेरियस जो ग्रुप्स थे इंडिया में जो क्लासेस थी वो एक साथ मिलजुल के थोड़े कॉमन स्ट्रगल में फ्रीडम के लिए जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ था उसमें लोग पार्टिसिपेट करने लगे थे। और इसके बाद देखिए जो कांग्रेस थी अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, उन्होंने बहुत कोशिश की कि लोगों को बांध के रखा जाए, उनके जो दुख दर्द हैं उनको दूर किया जा सके, उनको ऑर्गेनाइज किया जाए मूवमेंट्स में ताकि वो इंडिपेंडेंस को लेने के लिए मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करें। इसके बाद देखिए इस तरह के जो मूवमेंट्स थे उन्होंने नेशनलिस्ट के उन्होंने ट्राई किया कि वो स्थापित करें, किसको स्थापित करें, नेशनल यूनिटी को यानी राष्ट्र की एकता को, बट एज वी हैव सीन, बट जब हमने देखा हुआ है कि डाइवर्स ग्रुप जो थे जो क्लासेस थी उन्होंने पार्टिसिपेशन जरूर किया था मूवमेंट्स में, बट क्यों किया था, क्योंकि उनके अपने खुद के एस्पिरेशंस यानी डिजायर्स थी, खुद इच्छाएं थी, कुछ एक्सपेक्टेशंस थे, इसके लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक सामूहिक वे में देश के लिए नहीं किया, अपने अपने लिए किया। एज दियर ग्रीवेंसेज वर वाइडर रेंजिंग, क्योंकि जो उनके दुख दर्द थे जो ग्रीवेंसेज थी वो बहुत ही लंबी चौड़ी थी, बहुत ही कह सकते हो कि ऐसे नहीं कि एक एक पर्सन की बहुत कम इच्छाएं थी, बहुत ज़्यादा थी, तो फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल ऑल्सो मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, तो उनके लिए अगर वो आज़ाद हो जाते हैं तो हर किसी के लिए आज़ादी का मतलब अलग अलग था। कांग्रेस ने काफ़ी कंटिन्यूसली जो है अटैम्प्ट किए कि इस तरह के जो डिफरेंसेज हैं लोगों में कि जो वर्कर्स हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो सबकी सोच अलग अलग थी, सब अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे, देश के बारे में नहीं सोच रहे थे, तो इस तरह के जो डिफरेंसेस है उसको रिजॉल्व किस तरह से किया जाए और सबकी जो डिमांड्स है उसको किस तरह से फुलफिल करें ताकि कोई भी जो ग्रुप है वो अलग ना रहे, ठीक है, एलिनेट मतलब अलग ना रहे एक दूसरे से, सब मिलजुल के रहें। दिस इज स्पेशियसली वाई द यूनिटी विद इन द मोमेंट ऑफन ब्रॉक डाउन, और यही एक वजह थी जिसकी वजह से काफ़ी बार देखा गया जो यूनिटी है देश की राष्ट्रभक्ति की जो भावना है देशभक्ति की भावना वो काफ़ी बार टूटी भी है, जो मूवमेंट्स में लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, सीडीएम हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ तो लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया ज़्यादा तक। द हाई पॉइंट्स जो कांग्रेस एक्टिविटी के थे और जो नेशनल यूनिटी थी वो काफ़ी बार फॉलो होती गई डिफरेंट डिफरेंट फेसिस में, जहाँ पे डिसयूनिटी देखी गई, काफ़ी इनर कॉन्फ्लिक्ट भी देखे गए बिटवीन ग्रुप्स, यहाँ की तक कि कांग्रेस में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट था, लोगों के आइडियाज़ नहीं मिलते थे, बीआर अम्बेडकर और जो गांधी जी का जो पुणे पैक्ट वाला क्लैशेस हुआ था वो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि दलित्स को लेकर किस तरह से जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस तरह से उनके दोनों के बीच में क्लैशेस हो गए थे और फिर पुणे पैक्ट हुआ था 1932 में। तो इन अदर वर्ड्स कहा जाए तो व्हाट वाज इमर्जिंग वाज अ नेशन विथ मैनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, तो अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक देश का जो इमर्ज होगा कि किस तरह से एक राष्ट्र का निर्माण होगा वो किस तरह से क्रिएट होगा, तो उसमें बहुत ही अलग अलग तरह के लोगों की वॉइस थी, ठीक है, क्योंकि इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, तो सबकी आवाज़ एक ही थी, आवाज़ तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों की थी बट आवाज़ में क्या था कि उनको फ्रीडम चाहिए, किससे फ्रीडम चाहिए, कॉलोनियल रूल से यानी ब्रिटिशर्स से उनको आज़ादी चाहिए। तो आई थिंक आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।